सरपंच सैफ खान पंचायत मकाम यानी मिडिल ब्लॉक वाला सरपंच मुख्तार हुसैन पंचायत पांडी जी सरपंच मोहम्मद यासीन खनेतर पुंछ फाइनेंशियल ब्यूटी एवेलुएट हो रहा है इसमें सर हमें इस साल हालांकि जलयुक्त मिशन पहले सरपंच हल्का पंचायत मेरा ये सरपंच इसके अंदर 58,843 किलोमीटर पाइप नेटवर्क जो है वो नया बिछेगा। इस प्रोग्राम के अंदर जो ये हर जल नल से जल देने का जो प्रोग्राम है इसमें इसको जो जल जीवन की भाषा में जो कहा जाता है FHTC फंक्शनल होल्स टू टैप कनेक्शन यानी हर घर को नल से जल देने का जो इसका जो दूसरी परिभाषा में इसको कहते हैं FHTC नहीं जनरेट करना पड़ रहा हमें और ये क्योंकि ये जल जीवन मिशन के अंदर जो हमारा टेंडिंग का स्टेटस है वो मैंने इसकी बात पूंछ में जल जीवन मिशन जो स्कीम है उसका रिव्यू करने के लिए आया हूँ और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका स्टेटस पता करूँगा। ऑफिसर से भी मैंने इस स्कीम के बारे में डिस्कशन करना है और यहाँ पे जो DDC है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उसके मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स उनको भी स्कीम में मैंने इन्वॉल्व करना है, उनका साथ लेना है, उनका मशवरा लेना है और उनके साथ सहारे से हमने स्कीम इम्प्लीमेंट करानी है। जल जीवन मिशन के बारे में वही हमारा जो मेरा जो मैंने बताया मकसद वही है। ऑफिसर के साथ बैठ के मैंने समझना है कि उनको टेंडरिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो रिजॉल्व करूँगा और लोकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंचायत मेंबर्स और अपने लोकल ऑफिसर्स के उस साथ में बैठ के उसको ठीक करें। तो सर उसने दो इश्यू बताए, एक तो डेली वेजेस का, डेली वेजेस का इश्यू जो है मैंने समझना है और उसमें गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है और इस पॉलिसी के हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है इस इश्यू को ठीक करने में डेली वर्जेस को मदद करने में वो मैं करूँगा। सर इसके लिए बना हुआ है कि आपको हर घर में पानी पहुँचाना है, साफ़ सुथरा पानी और पूरी मात्रा में पानी जितना मतलब उनको इस्तेमाल करना उस लेवल का पानी उनको देना है। लोगों का इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि पहले जो PHE में काम होता था उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इस बार समझिए कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट में 300 से 400 करोड़ रुपया पूंछ के लिए अलॉट किया जाएगा जो स्कीमें बनी हुई है, तो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों का साथ सहकार जरूरी है। उसके साथ कि लोगों के साथ सहकार से स्कीम बनानी है तो पंचायत मेंबर्स है, DDC मेंबर्स है, NGOs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वीमेंस का, उनको सबको इन्वॉल्व करना है इस स्कीम की जिम्मेवारी के लिए। गांव में अगर इम्प्लीमेंट होती है तो हम लोग चाहेंगे कि पंचायत मेंबर्स, PRI मेंबर्स या इलेक्टेड मेंबर्स उस स्कीम को समझे कि सोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, उनकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। ये मीटिंग करने का मकसद मेरा यही है।